दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पहला खंड यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास खंड एक पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज के सेशन में हम लोग आगे के विभिन्न तथ्यों के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, यानी कि प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है। क्रूम का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। विस्तता जलम का प्राचीन नाम था। वरुष निरावी का प्राचीन नाम था। विपास अभ्यास का प्राचीन नाम था। दृष्टवती गगर का प्राचीन नाम था। सुवास्तु स्वाद का प्राचीन नाम था। कुभा काबुल का प्राचीन नाम था। अस्किनी चिनाब का प्राचीन नाम था। शतुद्री सतलज का प्राचीन नाम था। सतानीरा गंडक का प्राचीन नाम था। गोमती गुमल का प्राचीन नाम था। इसके बाद का अगला महत्वपूर्ण तथ्य है ऋग्वैदिककालीन देवता। ऋग्वैदिककालीन देवता और उनसे संबंधित तथ्य। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। द्यो आकाश का देवता। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। उषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। रुद्र असुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। इसके बाद है रुद्र, हो गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा जमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों ओर क्रियाओं जुताई बुआई कटाई मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिककालीन लोग अस्थायी निवास बनाने लगे थे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निस्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद है आपका सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्री की स्थिति में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में अस्पष्टता यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। इसके बाद है वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदांग शिक्षा इसका अंग था नाक, निरुक्त कान, ज्योतिष नेत्र, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, छंद पांव। इसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वनरुमिनदेही नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी था। शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोद्रा के साथ हुआ था। इनका अन्य नाम गोपा या बिंबा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र क्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में यानी कि ऋषिपत्तनम में उपदेश दिया गया। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति हुई
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध धम्म और संघ। यहाँ चलते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुपिटक एवं अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म का मूलतः अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म कैसे हैं तो अनात्मवादी। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धर्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख उपदेश दिया जो इस प्रकार है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके बाद है दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। आइए इस बॉक्स में क्या दिया हुआ था देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। गर्भस्थ होना हाथी था इनका प्रतीक। जन्म हुआ तो कमल एवं शांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष पीपल, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह और महापरिनिर्वाण का स्तूप। इसके बाद आगे चलते हैं। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगिरी में हुआ। अध्यक्ष महाकश्यप और शासक था उस समय अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली सर्वकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्ष मुगली पुत्तिस शासक था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवर कश्मीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष था और इस समय शासन का किसका था कनिष्क का शासनकाल था। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली के नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान 2 भागों में शून्यवाद मात्विक एवं विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार कला में शैली में किया गया किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्ध मग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आइए इन महाजनपदों के बारे में देखते हैं। महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान स्थिति क्या है तो यह भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है।
अवंती उज्जैन माहिष्मति राजधानी थी, यह मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। सुरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी और मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति है। कौशल श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी या साकेत राजधानी थी, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी थी आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। कम्बोज हाटक राजपुर राजधानी थी इसकी, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कश्मीर में स्थित है। यह असमक इसकी राजधानी पोटिल या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। चेदी सुक्तिमती इसकी राजधानी थी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति है। इसके बाद है पांचाल अहिछत्र कांपिल्ली राजधानी थी इसकी। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश स्थिति है इसकी। बज्जी वैशाली इसकी राजधानी थी या विदेह कहते हैं मुजफ्फरपुर दरभंगा के मिथिला के आसपास का यह क्षेत्र है जहाँ पर यह स्थित है। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थिति है इसकी। मगध गिरिब्रिज या राजगिरी या पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है जिसकी मगध की राजधानी थी पटना गया बिहार इसकी स्थिति है। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी जयपुर राजस्थान के आसपास क्षेत्र में स्थित है। मल पावा या कुशीनगर कुशावती इसकी राजधानी थी और इसकी स्थिति है कुशीनगर देवरिया आदि उत्तर प्रदेश। गंधार तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर यानी कि गंधार की राजधानी तक्षशिला और रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है इसकी थी। इसके बाद है दोस्तों मुख्यतः जो है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का श्री इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य अहिंसा अस्त्य चोरी न करना अपरगृह संपत्ति न रखना आदि थी। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञातिर कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम जसोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अनोजा या अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन या विजेता अरहत पूज्य और निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के जमाता दामाद या जमाली उनके प्रथम अनुयायी थे। दार्शनिक पद्धतियाँ एवं उनके प्रवर्तक सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन के कनाद या उल्लुक। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल शुद्धर्मन जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण जिसे कह सकते हैं 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम में वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। इसके बाद है जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म के सप्तभंगनीय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद था। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग नरेश खारवेल राष्ट्रकूट राजा अमोक वर्ष आदि थे। कर्नाटक के श्रवण बेलगुल्ला में मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति जिसे गुप्तेश्वर की मूर्ति कहा जाता है का निर्माण करवाया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूब यानी पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। इसके बाद है 24 जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। आइए देखते हैं अभी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल था, अजित नाथ हाथी था, शंभवनाथ घोड़ा था, अभिनंदन का बंदर था, सुमित नाथ का चकवा था, पद्मप्रभ का कमल था, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, चंद्रप्रभ का चंद्रमा था, और पुष्पतंत का मकर था या डॉल्फिन जिसको कहते हैं। इसके बाद है शीतलनाथ का कल्प वृक्ष था, और श्रेयांश नाथ का गेंडा था, वासुपूज्य का भैंस था, विमलनाथ का शुक्र था, अनंतनाथ का बाज था, धर्मनाथ का वज्र था, शांतिनाथ का हिरण था, कुंथुनाथ का बकरा था, अरहनाथ का मछली, मल्लीनाथ का कलश और मुनि सुब्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नेमीनाथ का शंख और पार्श्वनाथ का सरपन और महावीर स्वामी जी का सिंह। आइए जैन संगीतिया का देखते हैं। जैन संगीति भी हुई थी दो ठो। आइए देखते हैं कब हुआ था। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व, स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थल स्थूलभद्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कार्य क्या क्या हुआ उसमें, तो जैन साहित्यों की रचना की गई। द्वितीय जैन जैन संगीति 512 ईसा 512 ईस्वी में हुई, बल्लभी स्थान था, देवर्दिगनी यानी क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष था। इसके कार्य क्या हुए, तो विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। उसके बाद आगे देखते हैं, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता था। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। शैव धर्म, भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है, पशुपात, कपालिक, कालामुख एवं शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कपालिक है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाबृद्धर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं, और साथ ही अपने शरीर पर चिता के भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भीम कहा जाता था। ये शिवलिंग के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभुत्व था, उनके शिष्य बासव थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर से शैव संप्रदाय भी कहते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नयनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 63 नयनार संतों में प्रमुख थे अप्पर, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमार गुप्त प्रथम के समय करमदंडा एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। इसके बाद है वैष्णव धर्म, भागवत धर्म के नाम से उसे भी जाना जाता है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदों के उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य माना गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सूरसेन के लोगों को हेराक्लिस का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। गुप्त शासकों के काल में वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था।
तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई पेरिय अलवार, आंडाल, नामलवार। अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थी। मत्स्य प्राण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है जो निम्नलिखित दिया गया है। पहला था मत्स्य, कूर्म कच्छप, वराह, निरीशि, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। उसके बाद है कुछ अन्य संप्रदाय मत एवं संस्थापक। चलिए, यहाँ दशनामी के संस्थापक, उनका मत क्या था? दशनामी संप्रदाय का मत क्या था? अद्वैतवाद। इनके इसका संस्थापक आदि शंकराचार्य, वैष्णव विशिष्ट विशिष्टाद्वैत। इनके संस्थापक रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के मत क्या था? द्वैत था। और संस्थापक आनंद तीर्थ, जिसे माधव के नाम से जानते हैं। रुद्र शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, सनक द्वैताद्वैत, निम्बक निम्बकाचार्य। प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक, आइए वर्करी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, धरकरी के रामदास, श्री वैष्णव रामानुज, आजीवक मकली गोसाल, यदृच्छावाद आचार्य अजित केशकम्बलिन, भौतिकवादी पकुद कच्चायन, घोर अक्रियवादी पूरण कश्यप, अनिश्चयवादी संजय बेलिटपुत्र। आइए आगे है मगध राज्य का उत्कर्ष। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रिज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्यजीवक को अवंती नरेश जनप्रद्योत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजात शत्रु कुनिक शासक बना था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग से अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन अथवा महानंदिन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य। चाणक्य या कौटिल्य विष्णुगुप्त ने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बन गया। चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका विषय राजनीति है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक था को पराजित किया, जिसने बाद में अपनी पुत्री कार्लेनिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और उसे एरिया काबुल, अराकोसिया कंधार, पेरिपेमिस दाई हेरात तथा जेड्रोसिया मकरान कुल 4 प्रांत दहेज में दिए। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध वर्णन एपीआरएस ने किया है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था तथा जैन गुरुभद्र बाहु का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के सवनबेलगोला में उपवास पद्धति संलेखना द्वारा हुई। नोट, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुद्रा था। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रु विनाशक एवं सेसेन के नाम से भी जानते हैं। अशोक। अशोक बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राजा बनने से पहले अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। अशोक की माता शुभद्रांगी थी। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास की गुजरा नेतुर तथा उदयगुलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम पिए तथा देवानाम पिए दसी उपाधियों से संबोधित किया गया है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।